आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो मुंबई टू साईनगर किस ट्रेन से जाना है और क्या टाइमिंग रहती है, किस किस दिन ट्रेन चलती है मुंबई से सिडनी साईनगर के लिए, सिडनी साई रेलवे स्टेशन से साई आश्रम के लिए क्या सुविधा है और क्या टाइमिंग लगती है, आप किस से जा सकते हो, आप इस वीडियो में सारी चीज़ें जान पाओगे। वहाँ पर क्या रूम का चार्ज है और क्या टाइमिंग रहती है, तो आइए चलते हैं हम। ये है बुकिंग काउंटर, जो बुकिंग नंबर 1, बुकिंग नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर ये बुकिंग करवा चुके हैं। यह है दोस्तों साईनगर सिडनी एक्सप्रेस, जो गाड़ी नंबर है 12131, जिसकी यहाँ दादर से यह ट्रेन बन के चलती है, जिसकी शाम को टाइमिंग है 9:45। ये ट्रेन सिडनी साईनगर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है आपको मॉर्निंग में 3:45 पर। ये ट्रेन चलती है दोस्तों मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे। ये वीकली ट्रेन है, वीकली में 3 दिन चलती है। जैसा कि आप देख रहे हो, अब हम इस समय मुंबई से चलकर आ चुके हैं सिडनी साई रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन मुंबई दादर से बनकर सिडनी साई के लिए चलती है रेलवे स्टेशन तक साईनगर सिडनी, यह रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हम रेलवे स्टेशन से अब बाहर की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर साईं बाबा की तस्वीर लगी हुई है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने से पहले ही, आप देख पा रहे हो। यह साईं बाबा की मूर्तियाँ इधर रखी हैं। यह रेलवे स्टेशन के अंदर ही है। ये साईनगर सिडनी रेलवे स्टेशन का बाहर का दृश्य है। यहाँ से आप ऑटो से, टैक्सी से जा सकते हैं, जो 20 रुपये प्रति कैंडिडेट भाड़ा लगता है। यहाँ से हमारा ऑटो निकल चुका है साई आश्रम के लिए। अब हम आ चुके हैं साई आश्रम। इस आश्रम के अंदर 1000 रूम है, जो आप देख पा रहे हो। यह साई आश्रम का मेन गेट है, तो आइए चलते हैं मेन गेट के अंदर। मेन गेट के अंदर जाने के बाद, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, कुछ दृश्य ऐसा है। यहाँ ये वाटर पार्क है, ये मॉर्निंग में इवनिंग चालू रहता है। यहाँ पर यह है बुकिंग काउंटर, जो हम यहाँ पर रूम बुक करने वाले हैं। हम रूम काउंटर पर आ चुके हैं। 1 दिन का यानी के 24 घंटे का चार्ज है 3 कैंडिडेटों का 250 रुपये। अगर कोई चौथा कैंडिडेट
बढ़ता है तो उसके लिए 50 रुपये प्रति बैठ के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं। यह काउंटर है, यहाँ पर बुकिंग हो चुकी है। अब चलते हैं हम रूम की तरफ। यहाँ पर रेस्ट करने के लिए भी यह जगह है। हमारे लिए जो मिला है वो एच ब्लॉक आश्रम में रूम मिला है। तो यहाँ पर जो ये लोग बैठे हैं, यहाँ पर एंट्री होती है। एंट्री करवाने के बाद हम रूम की तरफ अंदर चलते हैं। साईं बाबा का यहाँ LCD लगी हुई है, यहाँ पर आरती चलती है, लाइव दिखाई देते हैं 24 घंटे। जितने टाइम वहाँ पर आरती चलती है तो लाइव दिखाई देते रहते हैं। और यह आश्रम आप देख रहे हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, लिफ्ट की सुविधा है। हमारा जो रूम है वो है ग्राउंड फ्लोर पर। तो हम अब आ चुके हैं अपने रूम के पास। जैसा कि देखो ये लोग लॉकिंग खोल रहे हैं। लॉक खोलने के बाद हम रूम के अंदर एंट्री करते हैं। रूम के अंदर एंट्री करने के बाद आप देख रहे हो 3 बेड हैं, 2 चेयर हैं, फैन है, बेड आप देख रहे हो, चद्दर है, तकिया मिलेगा आपके लिए, ये हमारे बैग हैं, ट्यूबलाइट है, साईं बाबा की तस्वीर भी लगी है, फैन चालू है इधर। चार्जिंग के लिए उपलब्ध सुविधा है। 3 लोगों के लिए ये रूम है तो 3 चार्जर यहाँ एक साथ लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं वॉशबेस, शीशा यानी कि आईना लगा हुआ है इधर। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह नहाने के लिए बाथरूम है, जिसमें एक टंकी में पानी आता है गर्म, वो सुबह 9 बजे तक आता है, और दूसरे में नॉर्मल पानी आता है ठंडा। यहाँ पर आप वॉश बेस पर हाथ साफ कर सकते हो, अपना आईना देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं आप टॉयलेट, टॉयलेट भी यहाँ ठीक ठाक है। ये यहाँ पर रूम है, चेयर है, यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी। अगर हम प्रसादालय जाते हैं या साईं टेम्पल जाते हैं तो वहाँ के लिए फ्री बस सुविधा है साईं ट्रस्ट की तरफ से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे प्रसादालय, प्रसादालय में क्या क्या सुविधा है, किस तरीके से खाना मिलता है, कैसे मिलता है, क्या टाइमिंग रहती है, किस तरीके से वहाँ जाया जाएगा, पास कहाँ से मिलता है, टिकट कहाँ से मिलती है।